Welcome to the second day of vocabulary booster class. In the last video, you came to learn 20 plus words. In today's video, you're going to again learn the 20 plus words. And I'm going to complete you 500 plus words, advanced verbs actually. This series is going to really help you to enhance your speaking skill. चलिए देख लेते हैं हमारे एक एक करके सारे वर्ड्स. हमारी ये 500 वाली जो सीरीज है, देखते रहिएगा ध्यान से. लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था ऑन द फर्स्ट डे, वो था लेटर ए से सारे वर्ड्स. आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको लेटर टू, यानी लेटर बी से सारे वर्ड्स. लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ऑल. प्लीज, द फर्स्ट वर्ड इज दैट एक्चुअली वी हैव, दैट्स कॉल्ड बेसमच. बेसमच का मतलब होता है बदनाम करना, लाइक डिफेम का मतलब भी बदनाम करना होता है. यहाँ पर बेसमच एक एडवांस वर्ड आप सीख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा को बदनाम किया. एग्जाम्पल के तौर पर, दे बेसमर्च हर रिपेटेशन. तो ये हो जाता है बेसमर्च, मतलब बदनाम करना. लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड बेडेक. का मतलब होता है सजाना, यानी हम अडॉर्न लास्ट टाइम पढ़े थे सजाना का, तो बेडेक होता है, या डेकोरेट भी बोल सकते हैं. जैसे उसने मेज सजाना शुरू किया, तो ही बिगेन टू बेडेक द टेबल. इट मीन्स दैट सजाना शुरू किया उसने मेज को, तो बेडेक मतलब सजाना होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बिकर. बिकर मतलब होता है झगड़ना, क्वैरल करना, फाइट करना, राइट, डिस्प्यूट मचाना. दैट्स कॉल्ड बिकर. बिकर मीन्स झगड़ना. फॉर एग्जाम्पल, वे हर दिन झगड़ते हैं, दे बिकर एवरी डे. तो बिकर मीन्स झगड़ा करना. आप पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे तरीके से. लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स बास्टर्डाइज करना. देखो, बास्टर्ड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, उसी से बास्टर्डाइज वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है नाजायज घोषित करना. लेट्स फाइंड आउट एग्जाम्पल हियर, दैट्स कॉल्ड, वे रिश्वत देकर कंपनी को नाजायज घोषित करेंगे. तो दे विल बास्टर्डाइज द कंपनी बाय ब्रैविंग. इट मीन्स दैट वो रिश्वत देकर कंपनी को नाजायज घोषित करेंगे. तो बास्टर्डाइज मीन्स होता है नाजायज घोषित करना. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बम्बार्ड. आपने देखा होगा लड़ाइयाँ होती है एक्चुअली, मैक्सिमम दैट वी हैव सीन एक्चुअली डॉग वॉर्स में होता है. सो द सेंटेंस एक्चुअली वी हैव, जेट बमबारी करने लगा. तो क्या बोलेंगे, द जेट बिगेन टू बम्बार्ड. बम्बार्ड मीन्स बमबारी करना या बम फेंकने वाला. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड ब्लेमिश. ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, या फिर कलंक हो रहा है, कलंक लगाना भी होता है. लेट्स फाइंड आउट द एग्जाम्पल वो हियर, दैट्स कॉल्ड, त्वचा संक्रमण के कारण उसके चेहरे पर दाग पड़ गया. तो क्या बोलेंगे एग्जाम्पल में, स्किन इन्फेक्शन कॉज्ड ब्लेमिश ऑन हर फेस. यानी ब्लेमिश में दाग, धब्बा, कलंक टाइप का होता है. तो ब्लेमिश दाग लगाना, कलंक लगाना, या दाग या कलंक के सेंस में आता है. दैट्स कॉल्ड ब्लेमिश. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म. का मतलब होता है सोच विचार करना, या फिर किसी मुद्दे पर विचार करना. दैट्स कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म. लेट्स फाइंड आउट द एग्जाम्पल, दैट्स कॉल्ड, वे सोच विचार करने लगे. तो दे बिगेन टू ब्रेनस्टॉर्म. तो ब्रेनस्टॉर्म मीन्स सोच विचार करना. यू कैन लर्न इट नाउ विद द पिक्चर. नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बैफल. बैफल मीन्स चौंका देना, या एस्टोनिस्ड कर देना, सरप्राइज्ड कर देना, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, फिर आप सरप्राइज हो जाना. दैट्स कॉल्ड बैफल. लेट्स सी द एग्जाम्पल, दृश्य ने उसे चौंका दिया. तो द साइट कॉज्ड हर टू बैफल. यानी दृश्य ने उसे चौंका दिया. दैट्स कॉल्ड बैफल. लेट्स सी द नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली बहट. बहट का मतलब होता है सिर धड़ से अलग कर देना. लेट्स फाउंड द एग्जाम्पल, लाइक, वह उसका सिर काटने वाला है. तो वह उसका सिर काटने वाला मतलब सर धड़ से अलग करने वाला है. इसको हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू बेहेड हिम. बेहेड, बेहेड, बेहेड ऐसे करके प्रोनाउंस किया जाता है. आप गूगल पर सर्च के अच्छी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं. जैसे बेहेड, बेहेड, जैसे बिहाइंड होता है ना, तो उसको बिहाइंड पढ़ते हैं. बिहेड है ये, उसको बेहेड पढ़ते हैं, इस तरीके से. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड ब्लर्ट. ब्लर्ट मीन्स होता है बेझिझक अचानक से बोलना, अचानक से बोल पड़ना, टूट पड़ना, बिना सोचे समझे बोल देना, उसको बोलते हैं ब्लर्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल, दैट्स कॉल्ड, उसे बेसमझे बोलने की आदत है. तो सी हैज़ अ हैबिट टू ब्लर्ट आउट. तो ब्लर्ट का मतलब होता है बेझिझक बोलना, बिना सोचे समझे बोलना. दैट्स कॉल्ड ब्लर्ट. नेवर ब्लर्ट राइट, थिंक एंड देन स्पीक. तो ये होता है ब्लर्ट मीन्स बिना सोचे समझे बोलना. लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बिगग्रज. बिगग्रज, बिगग्रज का मतलब होता है इसे करना, मीन्स टू फील जीलस. लेट्स सी द एग्जाम्पल वी हैव, दैट्स कॉल्ड, वह उसके रिश्ते से ईर्ष्या करती है. तो सी टेंस टू बिगग्रज देयर रिलेशनशिप. तो डोंट फील द फीलिंग्स, यू नो, जेलस टू एनीवन एग्जैक्टली. ये है था बिगग्रज. बिगग्रज का मतलब ईर्ष्या करना, या फिर द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, यानी इस तरीके से. नेक्स्ट वी हैव, दैट्स कॉल्ड बैंटर. बैंटर मीन्स हंसी मजाक, या फिर हंसी करना,
हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना कुछ इसी सेंस में आता है। हंसी मजाक नॉर्मली हम देख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड बैंटर। फॉर एग्जाम्पल, वे हंसी मजाक में लिप्त हैं तो दे इंडल्ज इन द प्लेफुल बैंटर, राइट। वे हंसी मजाक में मस्त है, आप देख सकते हैं पिक्चर में कैसे सीन है। तो बैंटर मीन्स हंसी मजाक या हंसी मजाक करना के सेंस में आता है। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट वन वी हैव, दैट्स कॉल्ड बिट्रे। बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, चीट करना या डिसीव करना। मीन्स लेट्स सी द एग्जाम्पल, उन्होंने उसे धोखा दिया, इट मीन्स दैट दे बिट्रेड हर। देखो हम बिट्री का सेकंड फॉर्म नहीं लगा, गल्ती से मिस टाइपिंग है, इसलिए आप बिट्रेड ई डी लगा के बोल सकते हैं, उन्होंने उसको धोखा दिया, तो दे बिट्रेड हर, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बेरीव। बेरीव, बेरीव का मतलब होता है वंचित करना, एग्जैक्टली राइट, किसी चीज़ से वंचित करना, मतलब ना प्रदान करना, ना देना, दैट्स कॉल्ड वंचित करना किसी को। जैसे राइट, हेल्पलेसनेस मेड हर ब्रीच फ्रॉम द लव ऑफ चाइल्ड, यानी कि मजबूरी ने उसे बच्चे के प्यार से वंचित किया, मतलब वह बच्चे को प्यार नहीं दे पाई, इसको बोलते हैं बेरीव, मतलब किसी चीज़ से वंचित करना, एग्जैक्टली राइट। दिस इज द नेक्स्ट वन, दैट्स कॉल्ड बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट समथिंग, एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड बेस्टो करना। दिस इज द एग्जाम्पल, वह उसे फूल प्रस्तुत करता है, कैसे बोलेंगे, ही टेंड्स टू बेस्टो द फ्लावर अपॉन हर। तो ये हो गया बेस्टो मीन्स प्रस्तुत करना कोई चीज़, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वी हैव द वर्ड, दैट्स कॉल्ड बोलस्टर। बोल्टन मीन्स होता है समर्थन करना, एग्जैक्टली। बोल सिस्टर, तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो आप याद कर सकते हैं, बोल सिस्टर तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम, मैं तुम्हें समर्थन करूँगा। तो बोल्स्टर को ऐसे याद कर सकते हैं, बोल्टन मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट करना। लेट्स सी द एग्जाम्पल, वह उसका समर्थन करने लगा, ही बिगेन टू बोल्स्टर हिम, यानी उसका समर्थन करने लगा, बोल्टन मीन्स समर्थन करना। लेट्स फाइंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बैनिश। बैनिश मतलब किसी देश से किसी को निकाल देना, बैनिश कर देना, निकाल देना। जैसे द एग्जाम्पल वी हैव, सरकार अवैध प्रवासियों को बैनिश करती है, तो द गवर्नमेंट टेंड्स टू बैनिश द इलीगल माइग्रेंट्स, ये सरकार बैनिश करती है, देश से निकाल देती है। नेक्स्ट वी हैव दैट्स कॉल्ड बसीच। बसीच का मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे वह उसे मदद की विनती करता है, ही टेंड्स टू बसीच हर फॉर हेल्प। तो बसीच मीन्स क्या होता है, विनती करना, यानी हेल्प मांगना भाई, रिक्वेस्ट करना, दैट्स कॉल्ड बसीच। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, दैट्स कॉल्ड बेविच। बेविच होता है बेविचिंग से, जब कोई चीज़ हमें जादूगरनी लगे, कोई बहुत ब्यूटीफुल लगे, बहुत जादूगरनी लगे, तो उसको बस क्या बेविच बोलते हैं, बेविचिंग बोलते हैं। जैसे सी इज़ लुकिंग बेविचिंग, तो ये हो गया। लेकिन यह बेविच का मतलब जादू करना, यानी जादू ही करने वाली कोई है, ऐसा करके। तो वह चिड़िया पर जादू करती है, तो सी टेंड्स टू बेविच द बर्ड्स। बेविच मीन्स होता है जादू करना। सो आई होप दैट आपको ये सारे वर्ड समझ में आएंगे, एंड यू गॉट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी बूस्टर क्लास। अगर आपने जरा सा भी कुछ नया सीखा, सब्सक्राइब कर जितेंगे इंग्लिश को, इस वीडियो को जहां तक पहुंचाना आप शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड को हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो कमेंट करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाइए, मैं जल्दी से बना कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।